अपने प्यारे देश भारत के विषय में इस मान पर्व पर अपने कुछ शब्द आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। इस वर्ष 2019 को हम भारतवासी भारत का त्योतता संदेश मना रहे होंगे। स्वतंत्रता और आज़ादी का मतलब ऐसा वातावरण जो किसी के साथ जो जबरदस्ती ना हो और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का स्वतंत्र हक है। ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को और इस राष्ट्र में इस मातृभूमि में सारे मूलभूत अधिकार मिल गए। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए और सौभाग्य की प्रशंसा करना चाहिए कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए। गुलाम भारत का इतिहास सब कुछ बयान करता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी यात्रा सहन करी जो हम बैठे बैठे कल्पना नहीं कर सकते। उन फिरंगियों से आज़ादी लेना कितनी मुश्किल थी कि स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे भारत को अपना परिवार मानकर देश के लिए लड़े और हमें आज़ादी दिलाई। उन नौजवानों को कैसे भूल सकते जो कम ही उम्र में अपने लिए देश के लिए जीवन लीला समाप्त कर ली, बलिदान हो गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदराम बोस, रानी लक्ष्मीबाई, उनके बदौलत से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें आज़ादी का मोल समझना चाहिए। इतने वर्षों के बाद भी आज हम जातिवाद, भेदभाव, नक्सलवाद, हिंसा, अपराध, देशभ्रष्टता, कन्याभ्रूण हत्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे देश के सामने चुनौतियां बनी हुई है। इन बुराइयों को जैसे उकार फेंकना होगा, तभी हम एक आदर्श नागरिक कहलाएंगे। हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। हम आज़ाद हैं लेकिन हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें सरकार चुनने का पूरा अधिकार है और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। मैं कामना करता हूं जब तक सूरज की किरण रहे हमारा देश आज़ाद रहे और हमारा भारत देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और सभी लोगों का विकास होता रहे। हम सभी भाई, मजहब के भाई, सभी लोग मिलजुल कर इस देश में खुशी खुशी के साथ रहे। इतना ही कहकर मैं भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रावत मोहन सिंह चौहान।